डी है, टी की वैल्यू क्या दी है, मतलब क्या मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या पता लगता है, साइन का अपसलन होता है कॉस पी इंटू एक्स स्क्वायर का अपसलन होता है टू एक्स। अब हमें इसको जब तक सॉल्व करना है जब तक कि हम यहाँ पूरे फल को एक्स में कन्वर्ट ना कर सकते। एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम टी की वैल्यू और अगर टी की वैल्यू आपको क्या दी है एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका टू एक्स, ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार आपका होमवर्क में कुछ मैं एक दो सवाल दे रही हूँ, तो इस प्रकार आपको हल करके देखना है। एक करना है कॉस एक्स स्क्वायर का और एक करना है कॉस एक्स क्यूब का, ये दोनों आपके होमवर्क में। धन्यवाद।